बचाने की खातिर अरे मनाते शहे अंबिया पढ़ रहा हूँ, मनाते शहे अंबिया पढ़ रहा हूँ, हबीबे खुदा को मनाने की खातिर। किबर जालिम का वही लोग यहाँ तोड़ेंगे अपने हाथों में जो मिसवाक लिए फिरते हैं। आइए हम सफर करते हुए पहुँचते हैं एक ऐसी शख्सियत तक। कभी बशीर बद्र ने एक शेर कहा था कि ओढ़कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, ओढ़कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम भी दास्ता हो जाएंगे। इसी जिंदगी के अंदर अपनी दास्तान बनने से कबल अपनी पहचान बनाने वाला शायर जितने कभी एक बात और एक ख्याल पेश किया था कि पत्थर उबालती रही एकमा तमाम रात, पत्थर उबालती रही एकमा तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए, तो शेर ये भी कहा कि दौलत की भूख थी तो कमाने निकल गए, दौलत की भूख थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी, फुर्सत मिली तो हाथ बच्चे निकल गए। इस तरह की खानगी जिंदगी के होने वाले वाकयात को अपनी शायरी में रकम करना, और अगर वो नातिया शायरी हो तो उसमें एहतियात की छलनी में छान कर कुरान और हदीस की रोशनी में मुदल्लल शेर कहना, इस तरह से कि तौहीद और रिसालत आपस में दम होने पाए, इस पुरखतर राह पर कामयाबी के साथ पूरी जिंदगी शेर की खिदमत करने वाला शायर उस्ताद शायर उस्तादगर जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा है। आप तमाम अहबाब की खिदमत में चार मिसरे पेश करते हुए मैं उन्हें दावत स्टेज दे रहा हूँ, और आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ कि दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है तो दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, हराम माल में बरकत तलाश करता है तो दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, हराम माल में बरकत तलाश करता है, और उसी के पैर के नीचे मिलेगी ऐ नादा जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, उसी के पैर के नीचे मिलेगी ऐ नादा तो माँ को छोड़ के जन्नत तलाश करता है, उसी के पांव के नीचे मिलेगी ऐ नादा तो माँ को छोड़ के जन्नत तलाश करता है। माइक पर इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर शमी रामपुरी साहब आपके सामने माइक। हर दिल अजीज मुकर्रर हम सब के दिलों की धड़कन अली अनाम मौला मुफ्ती मुसलमान साहब रखी पूरी दामत तशरीफ फरमाएं। हर शख्स का दिल चाहता है कि हजरत का बयान शुरू हो जाए, मेरा भी दिल चाहता है इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके दरमियान हज़रत खिताब शुरू होगा। स्टेज पे मुअक्कर व मोतबर उलमा किराम हिफाज़े किराम तशरीफ़ फरमा है, और आप सबकी मौजूदगी बाइसे मसर्रत है। मैं बहुत ही छोटी बहन में एक नात के तीन चार शेर और एक नात के तीन शेर पेश कर रहा हूँ, समाज पेश कर रहा हूँ। ये कहानी नहीं ये कहानी नहीं हकीकत है, ये कहानी नहीं हकीकत है, ये कहानी नहीं
हकीकत है, ये कहानी नहीं हकीकत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये कहानी नहीं हकीकत है। माँ अच्छा भाई बाबाओं के नीचे जन्नत है। बहुत शुक्रिया अभी जिंदा, अभी जिंदा है बूढ़ी माँ घर में, 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 अभी घर में हमारे जन्नत है। वाह 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 में हमारे है बूढ़ी माँ घर में। वाह 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 बहुत उम्दा भाई, बहुत अच्छा। जो लोग माँ से मोहब्बत करते हैं वो अपने कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये विशेष समाचार कि मुस्कुरा कर, मैं देखता हूँ कौन इस शेर को सुभान अल्लाह नहीं कहेगा, शायद कोई संगील इंसान हो। हज़रत मुफ्ती साहब का शेर फरमाया, हज़रत के हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ। मुस्कुरा कर मिला करो सबसे, मुस्कुरा कर मिला करो सबसे, मुस्कुरा कर मिला करो सबसे, मुस्कुरा कर मुस्कुरा कर मिला करो सबसे, मुस्कुरा कर मिला करो सबसे, ये भी मेरे नबी मुस्कुरा कर मिला करो सबसे, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। वाह 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 वाह, मुस्कुरा कर मिला करो सबसे, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, जानकीपुर के गजूर नौजवानों बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक आप हजरात, खूबसूरत शाम सजाई है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों को सलाम भाई। वाह 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 भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अच्छा माशाल्लाह, प्रधान जी की भी दुआएं मिल रही, उन्होंने भी हमें माशाल्लाह नवाजा है। मुस्कुरा कर मिला करो सबको सबसे, मुस्कुरा कर मिला करो सबसे, मुस्कुरा कर मिला करो सबसे, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। मुस्कुरा कर मिला करो सबसे, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। बहुत शुक्रिया। ये भी शेष समाप्त करने यहाँ जहाँ तस्वीर होते हैं भगवान, ये अता होगा। सरकशी कर रहा है फिर बात, क्या बात है, सरकशी कर रहा है फिर बातिल, सरकशी कर रहा है फिर बातिल, फिर उम्र की यहाँ जरूरत है, फिर उम्र की यहाँ जरूरत है, सरकशी कर रहा है ये बातिल, फिर उम्र की यहाँ जरूरत है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, माँ के कदमों जन्नत है। और एक अजीब शेर हो गया समाज के लिए, आता होगा। मुस्कुरा कर मिला करो सबसे, सबसे ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। एक पैगाम है आपके नाम, अगर आपकी इजाजत तो कह दूं, पैगाम सुनना चाहते हैं अपना, आता होगा। बहुत अहम पैगाम है, दिल की डायरी पर नोट नोट, बतौर खास सुन्नतों को सुन्नतों को लगाओ सीने से, सुन्नतों को लगाओ सीने से, सुन्नतों को
जाओ सीने से मुस्तफा से अगर मोहो सुभान अल्लाह सुन्नतों को लगाओ सीने से मुस्तफा से अगर मोहब्बत वाह 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 भाई हुस्न वाले मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए मेरे शेर की गहराई को मुफ्ती साहब समझते हैं समाप्त करें बतौर खास हुस्न वाले आबिद सलमान साहब हुस्न वाले बहुत है दुनिया में हुस्न वाले बहुत है दुनिया में हुस्न वाले बहुत है दुनिया में कौन आका से खूब सो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई वाह 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 सुभान अल्लाह 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 वाह 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 भाई वाह वाह बहुत अच्छा इरशाद है भाई इरशाद है मुफ्ती साहब का भी इशारा है कि आप मुकर्रर इरशाद है मुकर्रर इरशाद है भाई वाह 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 आपकी मोहब्बत को सलाम हजरत का हुक्म मैं फिर से पेश कर रहा हूँ समाज में हुस्न वाले बहुत है दुनिया में हुस्न वाले बहुत है दुनिया में हुस्न वाले बहुत है दुनिया में कौन आका से खूबसूरत है कौन आका से खूबसूरत है और मतलब इस समाज पर नजर आता हो और फिर इसी कबीले के तीन चार शेर फिर अपनी जगह लेता हूँ आता हो आता कैसे जन्नत जन्नत इतनी आसानी है समाज में कैसे जन्नत शमीम पाओगे कैसे जन्नत शमीम पाओगे कैसे जन्नत शमीम पाओगे दिल में गर आपके कुदूरत है दिल में गर आपके कुदूरत बहुत अच्छा पैगाम भाई वाह वाह मोहम्मद अदनान भाई वाह 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 अस्सलाम को अदनान सल्लम माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें दीन दुनिया में तरक्की नसीब फरमाए आमीन आमीन आइए दोस्तों इसी कबीले के दो तीन शेर सुन लीजिए जो मुझे बेहद पसंद है मैंने परसों अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सलमान साहब अतहर बाराबंकी को शेर सुनाए तुम्हें दूसरे शेर पे मुझे बहुत याद थी फोन पे अच्छा वो शेर सुन लिया आता हो भाई आता हो काश खैमा मेरा घर मेरा घर होता आज काश मेरा खैमा मैं अपना घर होता काश तैबा मैं अपना घर होता काश तैबा मैं अपना घर होता और सरकार का गुजर होता काश तैबा में अपना घर होता और सरकार का गुजर होता भाई कह दीजिए सारा मजमा मचल के एक मरतबा सुबहान अल्लाह माशाल्लाह भाई वाह 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 काश तैबा में अपना घर होता जकी भाई ये महमूदाबाद से चल कर आए हैं 20 का नोट लेकर अरकम साहब और इस्लाम भाई भाई वाह 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 भाई जिंदाबाद जिंदाबाद काश तैबा में अपना घर होता और सरकार का गुजर होता मोहम्मद अतीक साहब की ढेर सारी दुआएं मिल गई हमारे हिस्से में अल्लाह सलामत रखे आमीन काश तैबा जब मैं ये शेर लिख रहा था मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मदीने के नजारे मदीने की गलियां बहुत ही खूबसूरत थी तस्किरा में लफ्जों में नहीं कर सकता
बहरहाल किसी शायर ने बहुत खूब कहा था, ये दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। क्या बात है, क्या बात है, मौला तेरी रहमत बरस बरस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काश तैबा में अपना घर होता, काश तैबा, काश तैबा में अपना घर होता और सरकार का गुजर होता, और सरकार का गुजर होता। और उसके बाद क्या बात, क्या बात है कि बन के मेहमान, बन के मेहमान, बन के मेहमान आप आ जाते, बन के मेहमान आप आ जाते, बन के मेहमान, बन के मेहमान आप आ जाते। तसव्वुर किए दोस्तों, बल्क मेहमान आप आ जाते, रश्क फिरदौस मेरा घर होता, रश्क फिरदौस मेरा घर होता, बन के मेहमान आप आ जाते, रश्क फिरदौस मेरा घर होता, बन के मेहमान आप आ जाते, रश्क फिरदौस मेरा घर होता। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा ख्याल और बहुत अच्छा शेर है। बन के मेहमान आप आ जाते, बन के मेहमान आप आ जाते, रश्क फिरदौस मेरा घर होता, घर होता, रश्क फिरदौस घर होता। और ये शेर बतौर खास मैं हमारे दिल की आवाज मुशायरा मीडिया नूरआलम भाई के हवाले से आता है। मैं आता काश सिद्दीक, काश सिद्दीक साथ सिद्दीक और नबी होते, काश सिद्दीक और नबी होते, सिद्दीक और नबी होते, साथ सिद्दीक और नबी होते, साथ सिद्दीक और नबी होते, पीछे पीछे मैं हम सफल। क्या बात है भाई, क्या बात है, मैं हम सफर होता, काश तैबा में अपना घर होता। बहुत शुक्रिया हजरात। और आखिर में हम सफर होता जी, आखिरी शेर समाप्त फरमाएं बतौर खास। काश तैबा में अपना घर होता। समाप्त करें हजरात, अजीब शेर हो गया, एक शेर हो गया। अताओ भाई, अताओ। खूब खिदमत, खूब खिदमत नबी की मैं करता, खूब खिदमत नबी की मैं करता। जावेद साहिब साहब, हाफिज सलमान साहब देखेंगे। खूब खिदमत नबी की मैं करता, खूब खिदमत नबी की मैं करता, खूब खिदमत नबी की मैं करता, उनका नौकर मैं खास कर होता, काश तैबा में उनका घर होता। आखिरी से समा फरमाए, दिल पे गरहा खाफ रख देते, दिल पे गरहा खाफ रख देते, दिल पे गरहा खाफ रख देते, दिल कहाँ दर्द का असर होता, दिल कहाँ दर्द का असर होता, उनके दर पे
शमीम मौता उनकी चौखट पे मौत आ जाती। बहुत पहले दुआ मांगी थी मैंने कि जाना हो आसान नबी की नगरी में, पहुंचा दे रहमान नबी की नगरी में। ये शेर की तो दुआ कबूल हो गई। दूसरा शेर था, दुआ मांगी थी, काश तमन्ना मेरे दिल की पूरी हो, निकले मेरी जान नबी की। उनकी चौखट पे मौत आ जाती। पीछे कुछ खूबसूरत चेहरे बैठे हैं, जनाबे अब्दुल कलाम साहब, जनाबे कमाल बीडीसी साहब, जनाबे मोहम्मद समी साहब और जनाबे मेरे दोस्त ठाकुर साहब, डॉक्टर ठाकुर साहब भी तशरीफ रखते हैं। आखिरी शेर में मक्ते की शक्ल में उनको पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। काश उनकी उनकी चौखट पे मौत आ जाती, उनकी चौखट पे मौत आ जाती, और फिर मुख्तसर होता, और फिर के मुख्तसर होता, काश तैबा में अपना घर होता, और सरकार का गुजर होता, बन के मेहमान आप आ जाते, रस के फिरदौस मेरा घर होता।